फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उबले हुए आलू से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। झटपट से ये बन जाता है, देख सकते हैं आप कितने क्रंची और खस्ता हैं ये। तो बस हमने इसके साथ स्पेशल चटनी भी बनाई है। मेरे घर में तो बार बार डिमांड हो जाती है इसको बनाने के लिए। तो इसके लिए हमने बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं, इन्हें पीसों में काट के और इन्हें अच्छे से मैच कर लेते हैं। तो मैच हमने कर लिए हैं आलूओं को। इसमें गिरते हैं एक शिमला मिर्च, एक बारीक कटी हुई प्याज, कुछ हरी मिर्चें, दो तीन हरी मिर्च गिरी, कुछ धनिया की पत्ती, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार। बॉन्डिन के लिए गिरेंगे हमने इसमें 2 टेस्पून अरारोट। अरारोट गिर के अच्छे से सारे मसाले को अच्छे से मिलाते हैं हम। तो देखिए, हमने एक डो की तरह इसे तैयार कर लिया है और बस अब हाथों को थोड़ा धो लेते हैं। फ्रेंड, अब हाथों में लगा लिया है मैंने ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं हाथों में लगा के, और बस हमें इसके गोल गोल गोलियाँ बनानी है, लड्डू की तरह हमें बनाना है। ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना फ्रेंड, कि आप एक बार बना के घर में बना देंगे ना तो आपके घर में सबकी डिमांड हो जाएगी बार बार बनाने के लिए। मेरे घर में तो हो जाती है फ्रेंड, बहुत ही स्वादिष्ट ये लगते हैं और क्रंची खस्ता, और इनका टेस्ट का क्या कहना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों को फेल कर देंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मीडियम गैस पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया, एक एक गोलियों को हम इसमें गिर देते हैं। फ्राई हमें इन्हें करना है जब तक ये दिखने में एकदम गोल्डन कलर के ना हो जाएं। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई की। इसे ट्राई करने के बाद ही मुझे कमेंट करिएगा। ये इतने टेस्टी हैं कि मैं आपको दावे से कह सकती हूँ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसके लिए हम बना लेते हैं टेस्टी सी चटनी। तो कुछ धनिया की पत्ती, 4-5 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ, नमक अपने स्वाद अनुसार गिर के देखिए, चटनी भी बहुत टेस्टी बन के तैयार है।